मेरे साथ इस वक्त हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय द्विवेदी सर, और जिनको एक नई जिम्मेदारी मिली है वो IMC के DG पद पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। सर बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर आप IMC जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। किस विजन के साथ आप IMC जा रहे हैं? जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, मेरे अपने विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है कि यहाँ से पढ़ा हुआ और मध्य प्रदेश की धरती पर कर्मभूमि के रूप में काम करने के बाद अब मैं IMC जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के महानिदेशक की कुर्सी पर जा रहा हूँ। तो विजन तो यही है कि IMC जैसा बड़ा संस्थान, एक महत्वपूर्ण संस्थान जो भारत सरकार के प्राइम इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी वो बहुत अच्छा संस्थान है, उसको और बेहतर बनाना और जो परिकल्पना है सूचना प्रसारण मंत्रालय की कि धीरे धीरे IMC का जो विकास है वो एक विश्वविद्यालय के रूप में हो, उसको विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना, UGC के नाम्स के हिसाब से उसको ढालते हुए आगे चलकर उसे विश्वविद्यालय के रूप में कैसे स्थापित करना है, इस दिशा में अपना प्रयास होगा। आप हमेशा यूथ को आगे करने की बात करते हैं, आप भी बहुत कम उम्र में IMC के DG बनने आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मुझे लगता है कि जो विश्वास जताया है प्रशासन ने, शासन ने, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का और सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक बाकायदे चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन हुआ है तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ संभावनाएं देखी होंगी मेरे अंदर, जिस नाते ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। सर वैश्विक महामारी कोरोना के समय आपको माखनलाल यूनिवर्सिटी की कमान मिली थी, आपने ऑनलाइन चयन कुलपति संवाद, स्त्री संवाद के नाम से मतलब छात्रों को लगातार किया है, ये विजन कहाँ से आया? आप देखिए क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही नवाचारों की तरफ प्रेरित करता रहा है और बहुत सारे नवाचारी कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ से होते रहे हैं, मैंने कुछ नया किया ऐसा नहीं है। माखनलाल विश्वविद्यालय में सतत संवाद की एक परंपरा है, यहाँ बहुत आयोजन होते हैं। कई बार लोग कहते हैं आपके यहाँ आयोजन इतने सारे होते हैं तो पढ़ाई कब होती है, पर उन आयोजनों के माध्यम से हम जो सीखते हैं और जिस तरह राष्ट्रीय स्तर के लोगों से संवाद करते हैं, उनकी प्रतिभा से परिचित होते हैं, उनकी व्यक्तित्व कला से परिचित होते हैं, तो ये माखनलाल की परंपरा है, उसका ही मैंने निर्वहन किया। और उसके नाते पहले 8 दिनों का हिंदी पत्रकारिता सप्ताह, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल लालजी टंडन ने किया, उसके बाद जो है कुलपति संवाद जिसमें 6 राज्यों के 7 कुलपति आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इसके बाद स्त्री शक्ति संवाद हमने आयोजित किया और अभी कल हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा का व्याख्यान आयोजित किया। आज जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और एवरेस्ट विजेता सुश्री मेधा परमार का संवाद आयोजित किया। तो इन सारे संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों के मोटिवेशन मिलता है, उनको कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और नए क्षेत्रों में नवाचार का अवसर प्राप्त होता है। सर कोरोना एक ऐसी महामारी है जो आगे चलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, अब आपका क्या देखते हैं कि मीडिया संस्थान को या हायर एजुकेशन में कैसे प्लान आगे करना चाहिए? देखिए एक डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है और हमें डिजिटल माध्यमों पर ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा और जब हालात सामान्य होंगे तो सामान्य कक्षाएं भी होंगी, पर बावजूद इसके हमें कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की एक बात कही जा रही है उस सोशल डिस्टेंसिंग का विचार करते हुए अधिक से अधिक ई माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, ई कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए, विद्यार्थियों का मनोबल बनाए रखते हुए, उन्हें प्रेरित करते हुए, उनमें निराशा की भावना घर न करे, वे किसी तरह से उदास, हताश या अवसाद के शिकार न हो, इन सारे चीज़ों का विचार करते हुए हमें अपने लोगों का मनोबल बना के रखना होगा और कक्षाओं को किसी न किसी बहाने जारी रखना होगा और बच्चों से सतत संवाद बनाए रखना होगा, खासकर उनके मनोबल और उनके अवसाद में जाने की स्थिति से बचाने के लिए। सर IMC एक ऐसा संस्थान है जो मीडिया के क्षेत्र में बच्चे आना चाहते हैं, उनके लिए एक सपना होता है कि IMC से पास आउट होकर करें, कोरोना चल रहा है देश भर के बच्चे वहां अप्लाई करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए निश्चित रूप से IMC में प्रवेश लेना एक सपना होता है और हर विद्यार्थी प्रयास करता है उसका IMC में प्रवेश हो, खासकर मीडिया की पढ़ाई के लिए वो एक प्राइम इंस्टीट्यूट है। तो निश्चित रूप से जो भी रणनीति बन रही होगी वहाँ प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, मंत्रालय के अधिकारी जो भी दिशा निर्देश देंगे उनके हिसाब से उन चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी रणनीति बनेगी वहाँ जाने के बाद ही इस पर विचार कर पाऊंगा। सर आप एक आइकन हैं बहुत से बच्चों के जो मीडिया में हैं, बस आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से निकले और फिर रायपुर, छत्तीसगढ़ बहुत से चैनलों में काम करते हुए, क्या देना कहना चाहेंगे बच्चों को कि अपने करियर को कैसे वो करें? देखिए मुझे लगता है अपने काम में ईमानदारी और प्रामाणिकता और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है,
क्योंकि देखिए हम लोग सामान्य परिवारों से आए हुए लोग हैं, सामान्य परिवारों से आए हुए जो बालक होते हैं उनके पास दो ही शक्ति है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी आइडियाज। अगर क्रिएटिविटी आइडियाज को बचाकर प्लस परिश्रम के साथ अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है संभावनाएं अपार हैं। बहुत काम करने वालों की लोग जरूरत है, अच्छे काम करने वाले लोगों का अभाव है। हम जल्दी और जाना जल्दी और ज़्यादा पाना चाहते हैं, इसलिए हमें निराशा हाथ लगती है। यदि हम धैर्य के साथ थोड़ा समय दे करके अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए, अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संकट नहीं है। हम निश्चित रूप से उन ऊँचाइयों, उन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे तमाम शीर्ष लोगों ने प्राप्त की हैं। सर, आप उन सौभाग्यशाली छात्रों में हैं जो जहाँ पढ़े वहीं पर कुलपति होने, तो आप कैसा माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपनी कोई याद जो वेब दुनिया से साझा करना चाहें? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जिसके अनेक विद्यार्थियों ने शिखरतम पद हासिल किए हैं। आज अनेक संपादकों के मैं नाम ले सकता हूँ, टीवी चैनलों के एडिटर्स का नाम ले सकता हूँ। स्वयं हमारे जो पूर्व कुलपति रहे श्री दीपक तिवारी, वह भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी रहे। द वीक जैसी बड़ी मैगजीन को उन्होंने 21 वर्षों तक मध्य प्रदेश में लीड किया, तो प्रतिभाओं का अकाल नहीं है। श्री श्यामलाल यादव हमारे सीनियर रहे और वह इसमें इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े समाचार पत्र के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और उनको तमाम अवार्ड्स मिले हुए हैं। हमारे तमाम विद्यार्थी हैं जिन्हें रामनाथ गोयनका जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो मैं कोई अकेला नहीं हूं। एक लंबी सूची है, मैं नाम गिनाऊंगा तो संकट पैदा होगा, बड़ी लंबी सूची है जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रियंका दुबे हैं, ब्रजेश सिंह हैं, श्यामलाल यादव हैं, ब्रजेश राजपूत हैं, इन सबको रामनाथ गोयनका अवार्ड प्राप्त हुआ है। श्री हिमांशु द्विवेदी हैं जिन्होंने यहाँ से पीएचडी की है। ऐसे अनेक पत्रकार हैं जो बड़े बड़े स्थानों पर कार्यरत हैं। इसके अलावा विदेशों में बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी कार्यरत हैं, खासकर जनसंपर्क के और मैनेजमेंट के क्षेत्रों के विद्यार्थी और खासकर आईआईटी के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत सारी कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। अगर हम लंबी सूची बनाने के लिए बैठेंगे तो समय काफी लगेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन, कुल गुरु के रूप में माखनलाल और आईएमसी के छात्रों के लिए आपका क्या मंत्र? जी, मेरा एक ही मंत्र है कि मेहनत से कभी मत हारिए। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी आइडियाज़ को, लेखन की शक्ति को, अपने व्यक्तित्व को मांझते हुए चलिए। अपने हर दिन में हमने कुछ सीखा है, ये भाव लेकर चलिए। हर दिन अगर आप कुछ सीखेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व बनेगा जिससे लोग आकर्षित होंगे, जिससे लोग प्रभावित होंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, सफलताएँ आपके कदम चूमेंगी, इसमें दो राय नहीं है। मैं आज के दिन आप सबको, जो आईएमसी के विद्यार्थी हैं उनको भी, जो माखनलाल के विद्यार्थी हैं उनको भी शुभकामनाएँ देता हूँ उनके उज्ज्वल भविष्य की, कि वे आगे कर मीडिया और आईटी के क्षेत्र में भारत और देश का नेतृत्व करें। सर, देने के लिए बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे संजय द्विवेदी सर, जो अब मध्य प्रदेश के एक गौरव के रूप में आईएमसी जा रहे हैं और वहां पर डीजी पद का अगले 3 साल संभालेंगे। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।